हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 20 मार्च 2018 को हुए इवनिंग शिफ्ट में जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं GS से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप अपना एग्जाम देकर आते हैं तो जितने भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस याद है वो आप हमें कमेंट करके वो जरूर शेयर करें हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इवनिंग शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चंस देखे गए। अगर हम सबसे पहले फिजिक्स न्यूमेरिकल की बात करें, आपको जो वैल्यू गिवन थी रेजिस्टेंस, करंट और टाइम, ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है और आपने जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है हीट एनर्जी। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ एक या दो वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जो H की वैल्यू होती है, मतलब हीट एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है आई स्केयर आर टी, वेयर आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। तो सारी वैल्यू जो आपको गिवन है आई आर टी, तो जस्ट आपने वो सारी वैल्यू जिसमें पुट करनी है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा हीट एनर्जी कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी मुल्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखा जा रहा है, बट उन क्वेश्चनों का जो लेवल है दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो क्वेश्चन देखा आज इवनिंग शिफ्ट में वो था श्रीलंका के नेशनल सॉन्ग के राइटर का नाम पूछा गया था। तो श्रीलंका के जो नेशनल सॉन्ग है जो कि श्रीलंका मथा, इस तरह से नेशनल सॉन्ग है और इसकी जो राइटर है वो है आनंदा समर कून। तो ये आंसर होगा श्रीलंका के नेशनल सॉन्ग के राइटर का नाम, और ये जो इन्होंने श्रीलंका का जो नेशनल सॉन्ग लिखा वो इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस होके टैगोर के इन्फ्लुएंस से ही इन्होंने ये नेशनल सॉन्ग लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया आज, क्वेश्चन इस तरह से गिवन था कि विच वन इज ए कंपाउंड, चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये साइंस से रिलेटेड, कि इसमें से ये बताना था कि कंपाउंड कौन सा है, एयर है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या अमोनिया है। तो इन चारों में से जो कंपाउंड है वो है अमोनिया। तो अमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो अमोनिया ही कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन अबंडेंट प्रचुर मात्रा में होता है, तो अमोनिया राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला कि कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करती है, या क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि कौन सी गैस कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो आपको बता दें ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें होती है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो ये सारी गैसें कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो आप देख सकते हैं ओजोन भी इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में है, मीथेन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रही है, और नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन भी कुछ ना कुछ वहां पर है, ऑक्साइड भी है। तो क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था जैसे ही हमारे पास आता है तो वो हम जरूर अपडेट कर देंगे, लेकिन कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला आज इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, एक कुछ इस तरह से पूछा गया था कि कौन सी बीमारी को इंडिया से मुक्त कर दिया गया, तो इंडिया इज फ्री फ्रॉम विच डिसीज। तो गाइज, एक दिसंबर 2017 की जो न्यूज आई थी उस न्यूज के अकॉर्डिंग इंडिया जो है फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा से अब इंडिया जो है वो फ्री हो चुका है, ये कहा था सेज हेल्थ मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, तो ये बोला था जेपी नड्डा जी ने कि इंडिया जो है अब फ्री है फ्रॉम ट्रैकोमा। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ट्रैकोमा, इंडिया इज फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो आज इवनिंग शिफ्ट में देखा गया, किस देश ने वहां की महिलाओं पर प्रतिबंध हटा दिया है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो आपको एक जो न्यूज निकल कर आई थी हमारे पास जनवरी 2018 की, उस न्यूज के अकॉर्डिंग ये था कि सऊदी अरब जो देश है उस देश ने जितने भी वहां की वुमेन है, जितने भी वहां की महिलाएं हैं, उनको स्टेडियम में जाने की अनुमति दे दी है। पहले उन पर वो प्रतिबंध होता था स्टेडियम में जाने के लिए, तो कौन से देश ने वहां की महिलाओं पर स्टेडियम में जाने पर प्रतिबंध हटा लिया है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका जो राइट आंसर होगा सऊदी अरब। तो गाइस, जितने भी बेसिक बेसिक फैक्ट्स है कुछ स्टोरी टाइप, वो आप जरूर पढ़िए, जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी के करंट अफेयर आप जरूर देख कर जाइए, तो क्योंकि ये क्वेश्चन भी जनवरी के करंट अफेयर से देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक साइंस से रिलेटेड जो देखा गया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था जो आप में से ही काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके जो हमें बताए, जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आया है, कि रक्त किस प्रकार का संयोजी उत्तक है।
तो रक्त किस प्रकार का संयोजी ऊतक है, वो है तरल। तो तरल जो ऑप्शन दे रखा था वो राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन चार रिवर में से कौन सी रिवर डिफरेंट है, तो चार ऑप्शन जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा। नर्मदा जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है और बाकी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी वो ईस्ट की तरफ बहती है। तो इन चारों में से कौन सी डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो देखा गया वो नंदलाल बोस इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो एक फेमस नाम है नंदलाल बोस जी, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से रिलेटेड है, मतलब वो जो है आर्टिस्ट है। और एक न्यूज आई थी जनवरी 2018 में, 19 से रिलेटेड, पोर्ट्रेट ऑफ ए लीजेंड द मैन हुज आर्ट अडोन्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं नंदलाल बोस जी के बारे में था। कि मतलब यही हुआ कि इन्होंने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी फेमस जो आर्टिस्ट ये थे, काफ़ी फेमस चीज़ें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम इंस्पायर्ड बाय, तो जितने भी भारत के वायसराय है, भारत के गवर्नर जनरल है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भारत के वायसराय या भारत के जितने भी गवर्नर जनरल है उससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी देखा 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वो एग्जैक्टली क्या था। तो जो भी स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देख रहा है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बाकी क्वेश्चंस भी हमें शेयर करें। अब अगर हम चले इंग्लिश में क्या पूछा गया, स्पेलिंग मिस्टेक एक्विटेड की स्पेलिंग मिस्टेक पूछी गई। सिनोनिम जो देखा गया वो क्लीमेंट का सिनोनिम देखा गया। ईडियम की अगर हम बात करें वो था कीप चिनअप। तो गाइज इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके पास है मेमोरी बेस्ड, तो वो भी हमें कमेंट करके वो चीज़ें भी बताएं। अब अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह से दे रखे थे, एरिया ऑफ स्पीयर गिवन था, रेडियस निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर हम टाइम एंड वर्क से बात करें कि किस तरह से क्वेश्चन का लेवल रहा, क्वेश्चन था कि पी किसी काम को 20 दिन में करता है, पी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। उसके बाद दे रखे कि क्यू जो है उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है। तो पी 20 दिन में कर रहा था, क्यू 12 दिन में। अब ये कहते हैं आर की हेल्प से तीनों ने मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर लिया और तीनों को जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 7200 हुआ, तो आर का शेयर बताइए। तो मैथ के भी थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। पहले तो सिंपल ये पूछा था पी 10 दिन में कर रहा है, क्यों 15 दिन में कर रहा है, दोनों कितने दिन में करेंगे। बट अब जो क्वेश्चन मैथ के देखे जा रहे हैं कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन बिल्कुल हो रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर होकर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया, बिल्कुल प्रीवियस शिफ्ट में भी देखा गया था इस तरह से क्वेश्चन कि ट्रेंगल की अगर तीन साइडें हैं 6, 12 और 13, तो ये कौन सी ट्रेंगल है। ट्रेंगल जो होती है तीन टाइप की होती है, या तो वो होती है राइट एंगल, या फिर होती है वो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, या फिर एक्यूट एंगल। तो इनमें से बताना था कि ये कौन सी ट्रेंगल है, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल एंगल से रिलेटेड आ रहा है, जस्ट वहां पर वैल्यूज पुट करनी होती है। तो आज इवनिंग शिफ्ट में भी इस तरह से देखा गया जहां पर आपने जस्ट साइन 45 की वैल्यू पुट करनी थी, हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन जो बिल्कुल 2-3 शिफ्टों से बिल्कुल रिपीट हो रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में अब अक्सर देखा जा रहा है, जिसमें सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दे देगा और दो सिमिलर ट्रायंगल देने के बाद साइड का रेशो दे दिया, एरिया का रेशो पूछ लेगा, या फिर आपको ये दो साइड दे देगा, ये दूसरी ट्रायंगल की एक साइड दे देगा, दूसरी साइड पूछ लेगा। तो इस तरह से सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर देखा जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास मेमोरी बेस्ड आज इवनिंग शिफ्ट से थे वो सभी हमने डिस्कस किए। तो गाइज जो इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आया है, अगर बाकी क्वेश्चंस उनके पास है तो जरूर हमें कमेंट करके, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो सभी के साथ शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उन्हें भी उससे हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो भी नए व्यूअर्स है इस वीडियो के, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपकमिंग जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, रेलवे के हो या SSC के हो, ये चैनल हमेशा आपके साथ ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।